हेलो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है, सोने का दाम दिया गया है और कुछ जो मात्रा हम ले रहे हैं उसका मान निकालना सीखेंगे। एक तोला सोना का मूल्य रुपया अगर 56,000 है तो 7 ग्राम 5 मिलीग्राम का मूल्य क्या होगा। आज हम इसकी वैल्यू निकालना सीखेंगे। आइए सीखते हैं। एक तोला जो होता है उसे 10 ग्राम कहते हैं। कितना ग्राम कहते हैं? 10 ग्राम। इसका मान प्रश्न दिया है 56,000 रुपये। अगर 10 ग्राम का इतना मान है और 7 ग्राम मेरा निकालने का टारगेट है तो इसका मतलब मुझे 1 ग्राम निकालना चाहिए और 1 ग्राम निकालने के मुझे यूनिट मेथड लगाना चाहिए। कैसे हो जाएगा? इस 56,000 को हम 10 से भाग दे देंगे, मल्टीप्लाई गुणा में भाग में आ जाएगा और 0,0 कट जाएगा, माने 5,600 रुपया हो जाएगा 1 ग्राम का दाम। निकालना कितना हमको है? 7 ग्राम निकालना है। तो 7 ग्राम निकालने के लिए हमें जो 1 ग्राम का मान है उसमें करना होगा 7 से गुणा। जो 7 से गुणा करिए, 7 0 0 हो जाएगा, 7 0 0 हो जाएगा, 7 6 42 4 हो जाएगा और 7 5 35 और 35 4 39 हो जाएगा, माने 39,200 रुपये दाम हो जाएगा 7 ग्राम का। ठीक है, अब मेरा लक्ष्य है कि 5 मिलीग्राम का निकाला जाए। अच्छा, देख लीजिए, क्या आप जानते हैं 1 ग्राम का मान होता है 1000 मिलीग्राम। ये तो कहते हैं 1000 का रिश्ता होता है, आपको याद नहीं तो मैं बता दूं। देखिए क्या होता है, मिली होता है, फिर सेंटी होता है, फिर क्या होता है, डेसी होता है, फिर ग्राम होता है, उसके ऊपर क्या होता है, डेका होता है, फिर हेक्टो होता है, फिर यहाँ पर किलो होता है। याद आया? तो यहाँ से 3 कदम नीचे आएंगे यहाँ पे, इसका मतलब 1000 हो जाएगा, 3 0 लगेगा। अच्छा, अब देखिए इसका मतलब कि अगर 1 ग्राम का दाम 5600 है तो 1000 मिलीग्राम का दाम भी तो 5600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5600 रुपये। लेकिन हमें ग्राम में मिलीग्राम में तो 5 मिलीग्राम का निकालना है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से 1 मिलीग्राम का दाम निकालना चाहेंगे। कितना हो जाएगा 1 मिलीग्राम का दाम? 5600 / 1000 हो जाएगा। ठीक है, 2 0 2 0 कट जाएगा, मैंने कितना आया, 56/10 आया। निकालना कितने का है? 5 ग्राम का है, तो 5 ग्राम का जो दाम होगा, 5 ग्राम का दाम अगर निकालना चाहे मिलीग्राम का दाम कितना हो जाएगा, अगर एक का हमें दाम पता है अब 5 का बताना है, इसका मतलब 5 से गुणा करना पड़ेगा। 5 से 10 काटेंगे 2 बार और 2 से यहाँ काटेंगे तो 2 2 4 2 8 16 मतलब 28 रुपये यहाँ भी आ गया। 5 किलोग्राम का दाम कितना हो जाएगा? 28 रुपया हो जाएगा। और इसका मतलब हो जाएगा 7 ग्राम 5 मिलीग्राम का जो दाम हो जाएगा वो 39,200 रुपये जो यहाँ बिल बना है ना, ये जो बिल है 7 ग्राम का और 28 रुपये, ये दोनों मिला देंगे कितना हो जाएगा 39,228 रुपये। इस प्रश्न का एकदम सही आंसर है। क्या आप समझ पाए, क्या आप सीख पाए, क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है? जैसा हो आप अपने कमेंट सेक्शन में के जरूर बताएं। पसंद आ गया हो तो आप लाइक करें और चैनल पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ऐसे मज़ेदार और महत्वपूर्ण टॉपिक क्वेश्चन आपको लगातार मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग।